डॉबेराइनर्स, क्या बोलते हैं, ट्रायड्स, डॉबेराइनर्स ट्रायड्स, ट्राई मीन्स थ्री, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी उस टाइम नोन एलिमेंट्स थे उनको तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इन अ ग्रुप ऑफ थ्री, हर ग्रुप को बोला गया ट्रायड, हर ट्रायड में तीन एलिमेंट्स थे। तो फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चलते कि लेट्स से इनके तीन एलिमेंट्स ट्रायड के हैं ए बी सी, तो दिमाग में तो क्या चल रहा है, ट्रायड में आने वाले एलिमेंट्स सिमिलर होने चाहिए प्रॉपर्टीज में, है ना, तभी तो ट्रायड में रख पाओगे ना, तभी तो एक ग्रुप में रख पाओगे। तो ए बी सी तीनों की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, सिमिलर, पहला पॉइंट जो दिमाग में था। अब जब ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इनका हम ट्रायड बना सकते हैं, तो ट्रायड में सीक्वेंस क्या रखें, ए बी सी रखूँ, बी ए सी रखूँ, बी सी ए रखूँ, सी ए बी रखूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, तो कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर ट्रायड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास को फॉलो किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास में एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज। तो हम मान लेते हैं कि ए का मास कम है, बी का ज़्यादा है और सी का उससे भी ज़्यादा है, तो जो सीक्वेंस फिक्स हो जाएगी इस ट्रायड में वो क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। तो पहले तो ये डिसाइड किया कौन सिमिलर हैं कौन नहीं है, किन किन के हम ट्रायड बना सकते हैं, और ट्रायड में फिर सीक्वेंस के लिए क्या फॉलो किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास। अब यहाँ से एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था, मैम अटोमिक मास ही क्यों, है ना। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है इसके बाद वाले काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन अटोमिक मास पर ही आए, न्यूलैंड्स अटोमिक मास पर आए, लॉथरमेयर अटोमिक मास पर आए, मेंडलीव अटोमिक मास पर आए, कितने सारे अटोमिक मास पर ही चलते जा रहे हैं। और ये तो वो है जो हम पढ़ते हैं, पता नहीं कितने सारे और आए होंगे, जैसे एक प्राउस्ट हाइपोथेसिस आया था वो हम नहीं पढ़ते क्योंकि उसकी बहुत सच एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है, एक हेलिक्स के फॉर्म में आया था, कहीं पढ़ा है किसी ने, हेलिकल क्लासिफिकेशन आया था कैनकॉर्टिस का, टेल्यूरिक हेलिक्स नाम से, मतलब जितने भी आ रहे थे ना वो सारे अटोमिक मास पर बेस्ड आ रहे थे। क्यों अटोमिक मास पर ही क्यों ये स्टार्टिंग हुई, क्योंकि जॉन डाल्टन का नाम सुना है आपने, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स अटोमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन का नाम सुना है, नहीं सच्ची, हाँ सुना है, हाँ तो मेरी खुशी के लिए बोल देना हाँ सुना है ना। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स अटोमिक थ्योरी, उसमें उन्होंने मास की बहुत सारी बातें करी थी, उन्होंने कहा था कि हम दो एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। और फिर उन्होंने क्या किया, पांच से छह एलिमेंट्स की एक लिस्ट पब्लिश करी, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो बहुत कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट पब्लिश करी विद देयर मासेस, राइट। और डाल्टन के पहले ऐसा कोई नहीं था जो एटम की इतनी बात करके गया था, तो डाल्टन का नाम बहुत अच्छे से उससे लिया जाता था कि यार इन्होंने अगर बोला है तो सही बोला होगा। तो जब उन्होंने अटोमिक मास की वो लिस्ट पब्लिश करी तो सबके दिमाग में, एक तो सबको डेटा मिल गया पहली चीज, राइट, दूसरी बात डाल्टन ने दिया है ना तो सही होगा, डाल्टन ने बोला ना अटोमिक मास के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एलिमेंट्स में, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो तब सब ने अटोमिक मास को लेकर क्लासिफिकेशन देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो डॉबराइनर ने भी क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास में एलिमेंट्स को, ट्रायड को अरेंज कर दिया, यहां तक क्लियर। जब इन्होंने अरेंज किया, अपन एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं या इसी को ही और कंटिन्यू कर लेते हैं, जब इन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने एक बात और नोटिस करी, क्या नोटिस करी, द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ये तो बात याद होगी, यही तो क्रक्स है इसका, है ना, द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मासेस ऑफ एक्सट्रीम टू एलिमेंट्स, हिंदी में बोले तो मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ या मीन ऑफ मासेस ऑफ द एक्सट्रीम टू एलिमेंट्स। अगर आप ए और सी के मास को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लोगे तो बी का मास कभी कभी एक्यूरेट भी आ जाएगा, कभी कभी अप्रोक्सीमेट भी आएगा। तो क्या हो गया, आ रहा है तो आ रहा है। अच्छा, इस पॉइंट के बिना तुमने कभी डॉबराइनर नहीं पढ़ा होगा, मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस है। एवरेज आ रहा है तो क्या हो गया, एवरेज आ रहा है तो ऐसी बड़ी बात क्या हो गई, दिस इज, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे बात करी ना वो यही बात करी, आप लोग चीजें अगर रट रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो दिक्कत है। ये एक जनरल एप्टीट्यूड रखो, ऐसा क्यों, मैक्सिमम टाइम्स तुम्हें आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो लर्न तो वैसे भी एनी हाउ हम कर रहे हैं, बट स्टार्ट पुटिंग अ क्वेश्चन, तो क्या हो गया, एवरेज आ रहा है तो,
आ रहा होगा। अब देखो इस बात को समझो, जब ये एवरेज उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि यार ट्रायड में ऐसे ऐसे एवरेज बन रहा है, किसका एवरेज बन रहा है? मास का, और प्रॉपर्टीज मास से रिलेटेड है। अगर इनका मास एवरेज के फॉर्म में आ रहा है तो बी की प्रॉपर्टीज भी तो ए और सी की प्रॉपर्टीज का एवरेज होंगी, यानी बी की प्रॉपर्टीज ए और सी की प्रॉपर्टीज से सिमिलर होंगी, और इसीलिए हम उनको ट्रायड में रख सकते हैं। बिकॉज देर वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर मासेज, देर वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज, और यही तो काम करना था उनको। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इनको इस जब ये वाला ऑब्जर्वेशन आया तो और कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, कि मैंने अगर इन तीनों को एक ट्रायड में रखा है तो सही है, क्योंकि इनका मास वाइज भी रिलेशनशिप आ रहा है। अब इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बहुत सारे ट्रायड बनाए थे, जैसे हाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये एक ट्रायड था। लिथियम का मास 7, कहाँ लिखते हैं? नीचे ऊपर? ऊपर कहाँ? यहाँ, यहाँ, कहीं भी लिख लो, अटोमिक नंबर यही लिखना है, है ना? अटोमिक नंबर यही लिखना है। जैसे अगर 3 लिखना है आपको तो यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। यहाँ क्यों नहीं लिखना? हाँ वो, हाँ मतलब वो अटोमिसिटी हो जाता है ना, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन शो करता है। तो आपको अटोमिक नंबर तो इधर लिखना है, मास आप कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लेट्स से इसका, लेट्स से क्या मतलब, मास इसका क्या है? 7। पोटेशियम का 39, बहुत बढ़िया। एवरेज निकालो चलो फटाफट, 7 प्लस 39 बाय 2 कितना आ गया? 46 बाय 2 कितना आ गया? 23। और सोडियम का मास होता भी 23 है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? चलो एक और करो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब फटाफट निकालो अपने आप, थोड़ा तो हाथ चलाओ। नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का मास क्या लोगे? 35.5 एवरेज अटोमिक मास इसका, आयोडीन का 127। फटाफट से निकाल के बताओ एवरेज क्या आ रहा है ब्रोमीन का? 81 पॉइंट समथिंग, ऐसे निकालते तो आंसर 81.25 है ना? ऑब्वियसली यार देखो तो सही है ना, 81.25। और ब्रोमीन का मास होता है 80। तो इसमें एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इसमें तो एग्जैक्ट आ रहा था, इसमें एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन इट इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। तो इन्होंने काफी सारे ट्रायड ऐसे बनाए जिसमें अप्रोक्सीमेट आ रहा था, किसी में एग्जैक्ट आ रहा था, तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से चला। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई सिर्फ एक, कि इतने सारे एलिमेंट, जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते चले गए, सबका ट्रायड बनाना पॉसिबल नहीं था, तो सारे एलिमेंट्स पर ये क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं था। फिर कहीं कहीं ये एवरेज नहीं निकल के, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है ना, एवरेज भी आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होना चाहिए, और सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे और ट्रायड बनाते चले गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट में क्या आ रही थी दिक्कत। जैसे इन्होंने बना दिया आयरन कोबाल्ट निकल, जिनके एटॉमिक मासेस तुम देखोगे टेबल में तो दे आर वेरी क्लोज, एवरेज निकालना मुश्किल है ना, बहुत क्लोज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो जाता है कहीं, तो इस तरीके से दिक्कत आने लग गई, राइट? तो ये वाला क्लासिफिकेशन क्या हो गया? डिस्कार्ड। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स को हम इस तरीके से तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारे काम का नहीं। पर फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या तुम कभी भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बिना डॉब्राइनर के पढ़ते हो? कोई बुक देखी जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर हो लेकिन डॉब्राइनर का नाम ना हो? सब में होता है, सब में होता है। तो इसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। क्या वैल्यू? नहीं होती तो बुक्स में नहीं होता, क्लास में नहीं पढ़ते, पर आपको अंकुर सर ने पढ़ाया, उन्होंने भी पढ़ाया, तुम लोगों ने जिससे ही पढ़ा तुम्हें भी पढ़ाया होगा। बिना डॉब्राइनर की बात किए हम आगे नहीं बढ़ते। तो क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस सिर्फ इस एक बात में है कि उन्होंने शो किया देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास। डाल्टन ने तो सिर्फ बताया था, इन्होंने तो एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर दिया कि भाई अटोमिक मास में रिलेशनशिप है और प्रॉपर्टीज में भी है। देखो यहाँ निकल रहा है ना, अटोमिक मास में रिलेशनशिप है और वाकई में ये तीनों क्या है? सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आ रही बात समझ में? तो सबसे पहला जो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज और मास का रिलेशन जो बताया वो इन्होंने बताया। ये इंपॉर्टेंस है इनकी क्लासिफिकेशन की।